देश में लगातार पास हो रहे धार्मिक स्थलों के सर्वे वाले आदेश इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले ज्ञानवापी, फिर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, फिर संभल जामा मस्जिद और अब अजमेर की दरगाह शरीफ में हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा आदेश था जिसके बाद हर तरफ मस्जिद दरगाह के सर्वे कराने के दावे होने लगे, और क्या CGI रहे DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी भी इन मांगों की वजह बनी है। तो सबसे पहले आपको उस आदेश के बारे में बताते हैं जिसके कारण ये तमाम दावे हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस आदेश का नाम पूजा स्थल कानून 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था। 1991 में लागू किया गया ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। इसके साथ ही देश के 50वें CGI DY चंद्रचूड़ की सोशल मीडिया पर की हुई ज्ञानवापी मामले वाली टिप्पणियों को लेकर भी काफी चर्चा रही। मई 2022 में उन्होंने मौखिक तौर पर एक टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया था, ये कानून यानी पूजा स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। इसके साथ ही उन्होंने मुकदमे को रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि ये मौखिक टिप्पणी थी, कोई आदेश नहीं था, और ये भी साफ है कि ये टिप्पणी सिर्फ ज्ञानवापी मामले तक सीमित थी। लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि इस टिप्पणी के बाद ऐसे मामले सामने आने लगे। हालांकि अभी भी इन मामलों पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में इन तमाम मामलों पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।